Assalamu alaikum, this is Samina Khokar from IPS Institute of Professional Seekers. आज हम आप लोगों को जो हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए तैयार किया है हमारे स्किल इम्प्रूवमेंट कोर्स के लिए. ऐसे लोग जो अपने घर में बैठ के कोर्स करना चाहते हैं और उनको अपनी वो कहीं आ जा नहीं सकते लेकिन उनको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, उनके लिए आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसको हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जब आप काम करना चाहते हैं हेड के कलर में जिसके ऊपर जिस हेड के ऊपर आपने काम करना है सबसे पहले आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है. उसको समझाने के लिए आज हमने आप लोगों के लिए ये प्रिपरेशन की है पहले से. ये आपके हेड की एनाटॉमी है. क्या है? एनाटॉमी ऑफ हेड. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि आपका ये जो पर्पल कलर में ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है इसको हम कहते हैं टेम्पल एरिया. इसके बाद आपका ये जो रेड एरिया है, रेड एरिया इसको हम कहते हैं नेक एरिया. इसके बाद ये आ जाती है सेप्टल बोन. इसके बाद ये आ जाता है आपका हेड की साइड स्लाइड. इसके बाद आपका आता है ये वाला एरिया जो पर्पल आपको नज़र आ रहा है, ये है क्राउन. और इसके बाद हम जो है ये ग्रीन एरिया जो है वो आपका प्रिटल रेज है और ये टॉप ऑफ द हेड है. और इसी टॉप ऑफ द हेड के साथ साथ ही आपकी हेयर लाइन यानी फोरहेड लाइन, फोरहेड की जो हेयर लाइन है वो स्टार्ट होती है. ये आपकी हेयर लाइन है, ठीक है. इस हेयर लाइन के साथ साथ ही आप यहाँ पर जब आएंगे तो मैं आपको सबसे पहले ये वाली बात बताऊँगी कि जब भी आप पर अपने हेड के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको जिस चीज़ को बदल करना है, जिस चीज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो क्या है, वो ये है कि आपका ये जो रेड एरिया है, ये रेड एरिया इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी हेड के दूसरे एरिया से ज़्यादा होगा. जब आप यहाँ भी वर्क कर रहे होंगे तो आपके इस टेम्परेचर की वजह से आपका जो कलर है उसकी लिफ्टिंग की पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है. वो बहुत जल्दी से कम टाइम में लिफ्ट हो जाएगा. इसी तरह आपका ये जो टॉप ऑफ का हेड एरिया है, यानी अगर आप काम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं तो आपको हमेशा सेम टाइम में जब आप कलर की एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और इसमें आपने वॉल्यूम की जो लेवल या वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो आपने इतनी रखनी है कि आप जब कलर की या अपने फॉइल की जो फॉइलिंग करते करते जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना हो कि यहाँ का लिफ्टिंग का लेवल और यहाँ का लिफ्टिंग का लेवल जो है वो सेम हो. ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया क्योंकि ये गणपति के साथ है, गणपति के साथ होने की वजह से इस एरिया का भी टेम्परेचर कंपैरेटिवली दूसरे एरिया से बहुत ज़्यादा होता है. ये वॉयलेट एरिया, ग्रीन एरिया, रेड एरिया, येलो एरिया, ये हमें इंडिकेट करता है कि आपकी कौन कौन सी सेंसेशन जो है वो आपके कलर को अट्रैक्ट कर रही होती है. और जैसे जैसे हम ये कलर की डिटेल आपको बताते जाएंगे आपको इसके पता चलता जाएगा कि किस एरिए पे आपका जो कलर का लिफ्टिंग का लेवल वो ज़्यादा है और किस एरिए पे कलर के लिफ्टिंग का लेवल कम है. और ये जो कलर हमने इंडिकेट किए हैं इन कलर का हमारे हेड की एनाटॉमी के साथ क्या असर है. मज़ीद वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.